हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। देखिए, सीआरपीएफ ने सबसे पहले अपने रिक्रूट्स को ज्वाइन करवाया। 15 मार्च से सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी, बाकी फोर्सेस की उसके बाद में ज्वाइन हुई है। और ट्रेनिंग का जो पहला वीक होता है वो स्टार्ट हो चुका है बाकी दूसरी फोर्सेज में। सीआईएसएफ का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग हो जाएगा इसी महीने में। लेकिन सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कब से शुरू होगा? अभी तक सीआरपीएफ का ट्रेनिंग नहीं शुरू हुआ है। रिक्रूट्स जो हैं वो ट्रेनिंग सेंटर्स में जा चुके हैं, उनका रूटीन वर्क चालू हो गया है वहाँ पर, लेकिन ट्रेनिंग उनका कब से चलेगा तो उसको हम प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं। और इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी है। क्या सीआरपीएफ यहाँ पर वेट कर रही थी कि हमारे जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका भी सॉल्यूशन हो जाता है, विथहेल्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनका भी सॉल्यूशन हो जाता है, या जो फिंगर मिसमैच और सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सब सॉल्यूशन तब तक क्या हो जाएगा? तो एक संभावना वो भी यहाँ पर लग रही है कि ये जो डेट है जिससे सीआरपीएफ का ट्रेनिंग शुरू होने जा रहा है, तब तक विथहेल्ड प्लस सस्पेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी सॉल्यूशन यहाँ पर होने की संभावना है। तो आइए यहाँ देखते हैं ये ट्रेनिंग कैलेंडर है, ये कब से शुरू हो रहा है। तो ये सिग्नल दिया है, ये ऑफिस के लेटर्स ये कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए आपको बता दूं कि ये सर्कुलेट होते रहते हैं सोशल मीडिया पर। कौन करता है? तो ये अंदर के जो लोग हैं वही वहाँ से पिक लेकर इसको सर्कुलेट करते हैं। और सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाता है उसके बाद हम इस तरह का, ये काफ़ी कैंडिडेट्स आप लोग पूछते हैं कि ये क्या है, समझाइए हमें। तो ये है एक्चुअली, ये सिग्नल दिया गया है कि मैसेज दिया है। कहाँ से दिया? ट्रेनिंग डायरेक्टरेट सीआरपीएफ। किसको दिया है? जितना भी आरटीसी है और एटीसी है उन सबको दिया है। ऑल सीटीसी सीआईएटीस उसको इन्फो दिया है। रिक्रूट ट्रेनिंग रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ 44 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग ऑफ न्यूली रिक्रूटेड आरटीस रिक्रूट। Date of commencement of 44 weeks basic training following training institutions is hereby fixed as per details given below. RTC जो है, RTC और ATC ये CRPF के जो training center हैं उसके लिए बताया गया है कि इनमें 28 जून से हो रहा है 2021, और RTC नीमच, ATC ये भुवनेश्वर, खटखटी और पुणे, इनमें 19 जुलाई 2021 से हो रहा है। तो ये 19 जुलाई तो सीआईएसएफ का भी 1 जुलाई से हो जाएगा। सीआईएसएफ का जो है सबसे लास्ट में आया, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो लास्ट में है, लेकिन जो ट्रेनिंग का पहला वीक 19 जुलाई से जो है इनका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा 44 वीक्स का। और बाकी हमारे जो दूसरे फोर्सेज हैं उसमें शुरू हो गया है। एनआईए और एसएसएफ का भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे एक संभावना यहाँ पर ये बन रही है उन साथियों के लिए जो विथहेल्ड और सस्पेक्टेड हैं, कि इस डेट तक उनका भी सॉल्यूशन हो जावे। इसके अलावा हमारे कोर्ट केस वाले जो साथी हैं उनको हो सकता है कुछ वेट करना पड़े, अभी रीमेडिकल होने हैं कोर्ट ऑर्डर्स पे, जिन कैंडिडेट्स के रीमेडिकल अभी भी कुछ कैंडिडेट्स के हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि आप चाहे विथहेल्ड कैंडिडेट हैं चाहे सस्पेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको वर्दी मिलेगी, आपका जो मैटर जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पर आपका मेडिकल हुआ है, आपके मार्क्स जो हैं वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, आप फिट हो गए हैं, आपको वर्दी मिलेगी। यहाँ पर आपको टेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे साथी हैं सीआरपीएफ के, जिनको अभी सेंटर्स में पहुँच चुके थे ग्रुप सेंटर से, वो अपने ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी एटीसी में चले गए, लेकिन उनको भी अभी तक ये था कि ट्रेनिंग कब से शुरू होगी। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ट्रेनिंग का उनका प्रोग्राम है बिल्कुल बन गया है। और जो हमारे विथहेल्ड सस्पेक्टेड हैं उनके लिए भी एक होप बन रही है कि सीआरपीएफ ने इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया, कि या क्या अपने जो बचे हुए साथी हैं उनके लिए किया। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।